How are you all? I hope you are very well. Okay, first of all, open your English book and then page number open 18. Okay, students. Have you opened page number 18? Today's topic is use of this and that. Okay. This is and that is. Okay. Let's start now. Uh, read with your

ओनली वन होने पर ही आपको दिस और दैट यूज़ करना है अगर वो थिंग्स नियर है तो दिस इज हो जाएगा अगर वो थिंग्स दूर है और काउंटिंग में ओनली वन ही है तो हमें दैट इज़ यूज़ करना है ओके स्टूडेंट लाइक दिस दिस इज़ अ वन बुक ओके तो इट्स मीन दैट वी विल यूज नाउ दिस इज अ बुक ओके एंड दैट इज अ पेंसिल बिकॉज दिस इज़ अ फार एंड दिस इज़ अ नियर सॉरी दैट इज़ अ फार जो यू जो थिंग्स हमसे जो दूर होती है उसके लिए हम दैट इज़ यूज़ करते हैं और जो नियर नियर में पास में होती है उसके लिए हम दिस इज़ यूज़ करते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स फिर इन द ब्लैंक्स विद दिस और दैट अब आपको क्या करना है आपको दिस और दैट यूज़ करना है ठीक है स्टूडेंट्स डैश इज़ अ बाइसिकल एंड डैश इज़ अ कार तो ये जो थिंग्स हमें जो यहाँ पे जो शो की गई है वो नियर को शो करते हैं मतलब जो पास जो होती है और जो इस तरफ जो पिक्चर्स है वो फार को जो दूर होती है लेकिन काउंटिंग में वन होती है ओके okay? तो हम लेट्स स्टार्ट नाउ दिस अगेन राइट नाउ दिस इज अल ई बाइसिकल एंड दैट एंड दैट इज़ अ कार तो अब ध्यान से देखेंगे बच्चों ये दिस जो है दिस इज़ अ बाइसिकल बाइसिकल कितने हैं वन है और जो नियर है नीयर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं दिस एंड दैट फोर फार इट्स बिन दैट हम फार जो थिंग्स हैं ओनली काउंटिंग में वन है तो हम दैट इज़ अ कार ओके समझ में आ रहा है आप सबको ओके नेक्स्ट डैश इज़ अ मैन

दैट 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 इज अ वूमैन वुमैन क्या है वुमेन का जो पिक्चर्स कितना है वो है दूर है बट काउंटिंग में ही वन भी है समझ में आ रहा है आप सबको दिस इज अ मैन एंड दैट इज अ वूमैन नेक्स्ट डैश इज अग एंड डैश इज अस्ट एग इज नियर और एंड एंड ए एग ए है ना यहाँ पर फैम तो वी विल यूज नाउ दिस टी एच आई एस दिस ओके एंड दिस डैश इज अ नेक्स्ट नेक्स्ट मिस घोसला और जो आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको क्या करना है इसमें वी विल यूज दैट टी एच ए टी दैट ओके स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको नेक्स्ट

ओके okay, ये आपको जो कंसेप्ट है दिस और दैट का अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको आगे मतलब कि जो आसपास की जो थिंग्स होती है नियर और फार और काउंटिंग में ओनली वन होनी चाहिए वन होने पर आपको प्रैक्टिस uh, करने है कि इज दिस वी विल यूज़ दिस एंड दैट ओके स्टूडेंट्स ओके थैंक यू बाय